काव्या की प्रेगनेंसी वाला सच फाइनली आने वाला है अनुपमा के सामने, लेकिन क्या अनुपमा ही फंस जाएगी इन सब चीजों के बीच में? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि काव्या जो सच छुपा रही थी, जो राज सबसे छुपा कर बैठी थी, वो राज अनुपमा को पता चलने वाला है और काव्या खुद अनुपमा को बताएगी। अब ऐसे में अनुपमा क्या फैसला लेगी, क्या परिवार वालों से वो ये सारी सच्चाई छुपा लेगी? और अगर उसने ऐसा किया तो वो ऑलरेडी मुसीबत में फंस जाएगी, क्योंकि फिर से वो शाह परिवार यानी कि बा बाऊजी और वनराज की नजरों में गिर जाएगी। तो चलिए बताते हैं क्या होगा अनुपमा का फैसला। वेल दोस्तों, जहां आप देख रहे थे कि अनुपमा बहुत परेशान थी, अनुपमा को लग रहा था कि किसी भी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मालती देवी की वजह से वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। हालांकि नकुल जो है वो अनुपमा की साइड लेते हुए मालती देवी को समझाने वाला है। वो कहेगा, जो आप बदला लेना चाहती हैं उसमें आप खुद को ही गिरा रही हैं, आप अनुपमा के साथ ऐसा मत कीजिए। इस पर मालती देवी कहती है, नकुल तुम्हें ज्यादा चिंता है तो उसी के पास चली जाओ। कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो अनुपमा खुद कान खींचकर आपके पास मुझे दे जाएगी। अब मैं आपके पास रहूंगा और आपकी गलतियों को बार बार आपको बताऊंगा। मालती देवी ये सब सुनकर चुप हो जाती है। वही बात करें अनुपमा की तो आप देख सकते हैं समर और डिंपल आकर बताते हैं कि भाई एकेडमी का लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से अब वो लोग कभी भी एकेडमी को नहीं चला पाएंगे। अब आप देख सकते हैं अनुपमा इस बात से परेशान हो जाती है। बा जो है वो भी बहुत सारी बातें मालती देवी के लिए कहती है कि मालती देवी ने जानबूझकर ये सब किया है, लेकिन डिंपल जिस तरह से अनुपमा से बात करती है, अनुपमा परेशान हो जाती है और वापस घर लौट जाती है। जब अनुपमा परेशान होकर घर लौटती है तो अनुज भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो उसे गले से लगा लेता है और बहुत सी बातें समझाता है। फिर अब जो है वही होने वाला है काव्या का बेबी शावर। आप देख सकते हैं काव्या के बेबी शावर में सबके सब कितना खुश है, सब पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन काव्या परेशान है। अब जहां वनराज काव्या के पास जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो काव्या, सब कुछ नॉर्मल होगा, जब से ही बच्चा आया है हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, हमारा रिश्ता भी ठीक हो चुका है। वहीं पर काव्या अनुपमा को एक सच बताने वाली है। काव्या बताने वाली है कि भाई ये बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। अब जैसे ही ये बात अनुपमा सुनेगी, अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। साथ ही काव्या ने अनुपमा पर सब कुछ थोप दिया है और पूछ लिया है कि अब आगे मैं क्या करूं। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुपमा क्या एडवाइस देती है काव्या को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लें।